हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के पर्यटन, यानी राजस्थान में पर्यटन का विकास कैसे हुआ, राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी पर्यटन में कौन कौन से दर्शनीय स्थल आते हैं, उस सारे मैटर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर लगाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तब आपके लिए नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक की बात करेंगे हम जो होगा राजस्थान का पर्यटन, यानी राजस्थान में पर्यटन। ठीक है, चलिए। तो जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यहाँ पे लिखना है आपको पर्यटन, विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि अब हम जनवरी में घूमने जाते हैं तो ये सोचो कि जनवरी में 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष 2003 में मनाया गया था यूएनओ के द्वारा, यानी यूएनओ ने 2003 को अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म वर्ष घोषित किया था। बात करें हम 2022 की, तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस था 2022 का, उसकी थीम क्या थी? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। इम्पोर्टेंट रहने वाली है, किसी भी एग्जाम में आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। ठीक, बात करें अपन भारत का जो पर्यटन का वाक्य है, भारत का पर्यटन का वाक्य क्या है देखते हैं। तो जो 2022 की थीम क्या थी? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। और भारत का पर्यटन वाक्य क्या है? अतिथि देवो भव। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा हैं। ठीक है, भारत का पर्यटन वाक्य क्या है? अतिथि देवो भव, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा हैं। और राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान में जो पर्यटन की थीम है वो क्या है? द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का अतुल राज्य, यानी राजस्थान के बारे में कहा गया है भारत का अतुल राज्य, ये राजस्थान पर्यटन की थीम है। 2016 में जो थीम थी वो क्या थी? राजस्थान सरकार के द्वारा जो थीम दी गई थी 2016 में वो थी, एक सेकेंड, वो थीम थी जाने क्या दिख जाए 2016 में। 2008 में थी रंगीलो राजस्थान, 1993 में थी पधारो मारे देश। ये सारी थीम राजस्थान पर्यटन की है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, यानी विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा, सॉरी, सब दूसरे नंबर पर किससे आती है? पर्यटन से आती है राजस्थान में। पर्यटन में सर्वाधिक टैक्स प्राप्त करने वाला दुर्ग है आमेर दुर्ग, यानी आमेर दुर्ग पर जो सबसे ज़्यादा टैक्स आता है पर्यटन से, कहाँ पर आता है? आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग में सबसे पहले नाइट टूरिज्म शुरू किया गया है, यानी आप आमेर दुर्ग को रात में भी देख सकते हो। राजस्थान में जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? जयपुर में आते हैं, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद जोधपुर में आते हैं। 2021 में जो पर्यटक आए थे तो स्वदेशी पर्यटक थे लगभग 220 लाख या 219 लाख, और विदेशी पर्यटक थे 0.35 लाख, यानी कि लगभग 35,000 के आसपास विदेशी पर्यटक राजस्थान आते हैं। ठीक है, बात करें हम स्वदेशी पर्यटकों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 10वां, यानी राजस्थान, अगर हम स्वदेशी पर्यटकों को देखें तो राजस्थान कौन से स्थान पाएगा? 10वां स्थान। और इसमें भी जो सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ पाते हैं? अजमेर में, माउंट आबू में और पुष्कर में। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना होती है 1955 में, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद राजस्थान पर्यटन विभाग 1956, दोनों कन्फ्यूजन भरे हैं। अब आपको याद रखना है कि सबसे पहले बना था निदेशालय, उसके बाद बनता है विभाग। तो राजस्थान पर्यटन निदेशालय 1955 और राजस्थान पर्यटन विभाग है 1956, दोनों के मुख्यालय कहाँ पे हैं?
जयपुर में स्थित है। अब बात करें हम राजस्थान राज्य पर्यटन होटल विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1965 में। अब देखो सबसे पहले 55 हुई थी निदेशालय की, 56 में होती है विभाग की, और 65 में होती है होटल विकास निगम लिमिटेड की। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1 अप्रैल 1979 को स्थापना होती है। इसकी स्थापना तो 1978 में हुई थी, लेकिन इसका जो कार्य शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1979 से हुआ था। पर्यटकों को भोजन, आवास, यातायात सुविधा उपलब्ध कराता है कौन? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड क्या करता है? पर्यटकों को भोजन की व्यवस्था करता है, आवास की सुविधा देता है और यातायात की सुविधाएं देता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड स्थापना होती है 1 अप्रैल 1979 को। भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था, और वो कब, किसकी समिति थी? वो मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। यानी कि भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था, मोहम्मद यूनिस समिति के आधार पर, और ये बनी थी 4 मार्च 1989 को। पर्यटन को धुआं रहित तो उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा उद्योग है इसमें कोई भी धुआं नहीं निकलता है। अब कुछ योजनाएं हैं पर्यटन से संबंधित, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें हम पेइंग गेस्ट योजना की, यानी इसका जो स्लोगन था वो क्या था? घर से दूर घर की अनुभूति। यानी आप अगर जैसे घर से बाहर जा रहे हो वहाँ पे भी घर जैसी अनुभूति मिले, तो ये इस योजना का थीम था। आवासीय समस्या दूर करने के लिए ये शुरू की गई थी। शुरू कब करी गई है? ये 27 सितंबर 1991 को आती है, 12 जिलों में शुरू होती है शुरू में, लेकिन 2012 से ये सभी जिलों में यानी कि 33 जिलों में चालू है पेइंग गेस्ट योजना। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हेरिटेज होटल योजना, ये भी 1991 में आती है। यानी कि इसके थ्रू राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा बनता है? अजीत भवन जोधपुर, प्रथम हेरिटेज तीर्थ पुष्कर अजमेर, और प्रथम हेरिटेज नगर की बात करें तो ब्रजनगर है झालावाड़ झालरापाटन में। ठीक है, तो ये है हेरिटेज होटल योजना। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं रिटमैन की, यानी राजस्थान पर्यटन एवं आवागमन प्रबंध संस्थान, इसको कहते हैं अपन रिटमैन। यानी ये संस्था जो रिटमैन है उसकी स्थापना होती है 29 अक्टूबर 1996 को। कहाँ पे होती है? जयपुर में। नेक्स्ट बात करें अपन पर्यटन पुलिस, 1 अगस्त 2000 से पर्यटन पुलिस शुरू की गई। पर्यटन पुलिस के स्टेशन कहाँ कहाँ पे बनाए गए? जयपुर में, उदयपुर में और जोधपुर में। यानी इन 3 जगहों पर पर्यटन पुलिस के स्टेशन बनाए गए। पर्यटन पुलिस का मतलब है कि जैसे कि कोई विदेशी पर्यटक आ रहे हैं या स्वदेशी पर्यटक हैं, उनको बहका के कोई कहीं गेस्ट हाउस में ले जा रहा है, उनसे पैसे लूट रहा है, ये सारी सुविधाओं के लिए पर्यटन पुलिस बनाई गई। अब अब राजस्थान में जो पर्यटन की नीतियाँ बनी वो कब कब बनी? बात करें हम राजस्थान की पर्यटन नीतियाँ, तो जो प्रथम पर्यटन नीति बनी थी वो बनी थी 27 सितंबर 2001 में, और जो नवीनतम है जो वर्तमान में जो सबसे पहले अभी लास्ट में बनी है वो 9 सितंबर 2020 को। यानी कि अगर राजस्थान की सबसे नवीनतम पर्यटन नीति देखें तो 9 सितंबर 2020 को बनती है। अब बात करें अपन विरासत संरक्षण योजना, 4-5 में आती है विरासत संरक्षण योजना 2004-5, और पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया था? 2004-5 में। यानी दोनों चीज़ 2004-5, आपको डेट याद रखनी है। आपको पूरा जो मटेरियल है ये पीडीएफ में ये रटने वाला है, तो आपको एक दो बार वीडियो ज़रूर देखनी है। अगर आपको अच्छा लगे मैटर तो आपको वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, बात करें अपन पर्यटन के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है? पाटा पुरस्कार। यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है पर्यटन का, कौन सा? पाटा पुरस्कार। तो क्या आपको पता है कि राजस्थान को क्या मिला है ये अभी? तो ये 2010 में राजस्थान ले चुका है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है प्रशांत एशिया टूरिज्म एसोसिएशन, प्रशांत एशिया टूरिज्म एसोसिएशन।
बात करें हम पर नेक्स्ट की, तो शाही रेलगाड़ी चलाई गई यानी पैलेस ऑन व्हील 26 जनवरी 1982 को, यानी इसको कहते थे पहियों पर चलने वाला राजमहल। इसका नाम बदल के क्या कहा गया बाद में, पहियों पर चलने वाला राजमहल। कब कहते थे इसको, 1995, लेकिन 1995 के बाद इसको क्या कहते थे, द ओरिएंटल एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं फेरी क्वीन। फेरी क्वीन आती है 2003 में, ये भी एक ट्रेन है। ये कहाँ पे चलती है, शेखावटी क्षेत्र में, यानी फेरी क्वीन कहाँ चलती है, शेखावटी क्षेत्र में। बिलेज ऑन व्हील, वो पैलेस ऑन व्हील थी, ये बिलेज ऑन व्हील है, ये आती है 2004 में। अब देखो सबसे पहले आती है पैलेस ऑन व्हील 1982 में, इसका जो नाम है पहियों पर चलने वाला राजमहल कब बनता है, 1995 में। 2003 में आती है फेरी क्वीन और 2004 में आता है विलेज ऑन व्हील। अब है हेरिटेज ऑन व्हील 2006 में। अब फेरी क्वीन 2003, फेरी क्वीन 2003, विलेज ऑन व्हील्स 2004 और हेरिटेज ऑन व्हील 2006। ठीक है, याद रखने तीनों। तो जो हेरिटेज ऑन व्हील है वो ट्रेन कहाँ पे चलती है, जयपुर से सीकर, सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू से चूरू, चूरू से बीकानेर, यानी कि इन 5 जिलों में हेरिटेज ऑन व्हील ट्रेन 2006 से जो चलाई जा रही है वो चलती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, ये 2009 में आती है, 11 जनवरी 2009। इसका नाम 2017 में कर दिया गया पैलेस ऑन व्हील, लेकिन वर्तमान में इसको कहते हैं हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील। तीनों चीज़ याद रखनी है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील ट्रेन 11 जनवरी 2009 से चालू होती है, 2017 में इसको पैलेस ऑन व्हील कहते हैं और वर्तमान में कहते हैं इसको हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील। अब है नवीनतम पर्यटन की ट्रेन जो कि अभी प्रस्तावित है, अभी शुरू नहीं हुई है, उसका नाम रहेगा द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन। करंट का क्वेश्चन है, याद रखना आपने, नवीनतम पर्यटन ट्रेन कौन सी है, द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन जो कि अभी चालू नहीं हुई है। जयपुर में जो डबल डेकर बस हैं वो कब से चलती हैं, यानी कि उनका नाम क्या है, जयपुर प्राइड 24। जयपुर प्राइड 24 किसका नाम है, जो जयपुर में डबल डेकर बस चलती हैं उनको कहते हैं जयपुर प्राइड 24। अब आती है धौरा एक्सप्रेस, ये कहाँ पे चलती है, बीकानेर में लाडेरा गांव है उसमें चलता है धौरा एक्सप्रेस बस। अब है पैलेस ऑन एयर, ये वायुयान से पर्यटकों को घुमाया जाता है, ये योजना आती है पैलेस ऑन एयर। अब है राजस्थान के पर्यटन सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में जो पर्यटन सर्किट हैं वो कितने हैं, 10 सर्किट हैं। हालांकि ये करंट में घटते बढ़ते रहते हैं तो आप उसे करंट के आधार पर देख लें, लेकिन वर्तमान में जो है वो कितने हैं, 10। सबसे पहले बात करें अपन मरु सर्किट की, तो मरु सर्किट में ऊंट महोत्सव बीकानेर आता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर और थार महोत्सव बाड़मेर और मरु महोत्सव जैसलमेर। तो जो मरु सर्किट है उसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ गई, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। यानी मरु सर्किट में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मरु सर्किट में निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है या फिर कौन सा जिला आता है। तो आपको याद रखना है मरु सर्किट में कौन कौन से हैं, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, माउंट आबू सर्किट, तो माउंट आबू सर्किट में एक तो माउंट आबू आ गया, यानी माउंट आबू सर्किट में एक तो आ गया माउंट आबू, एक आ गया जालौर और एक आ गया रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली में है। तो माउंट आबू, जालौर, पाली, ये किस में आएंगे, माउंट आबू सर्किट में। अब आ गया हमारा ब्रज सर्किट, इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली आते हैं। ढूंढार सर्किट में 6 जगह आएंगी, आभा नेरी, दौसा, रामगढ़, जयपुर, आमेर, जयपुर, आमेर, जयपुर, हवा महल जयपुर और सामरव जयपुर, ये सारे किस्में आएंगे ढूंढार सर्किट में। नेक्स्ट हमें बात करेंगे मेवाड़ सर्किट, तो मेवाड़ सर्किट में उदयपुर आता है, नाथद्वारा आता है, कांकरौली आता है, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, तो ये है मेवाड़ सर्किट। नेक्स्ट है हमारा हाड़ौती सर्किट, इसमें आएंगे झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारा, ये कौन सा है, हाड़ौती सर्किट।
नेक्स्ट है हमारा रणथंभौर सर्किट। तो रणथंभौर सर्किट में कौन से आएंगे? टोंक, सवाई माधोपुर, रणथंभौर। ये कौन सा है? रणथंभौर सर्किट। मीरवाड़ा सर्किट में आएंगे नागौर, अजमेर, मेड़ता और पुष्कर। ये किस में आएंगे? मेड़ता सर्किट में। नेक्स्ट बात करें अपन शेखावटी सर्किट की, तो शेखा सर्किट में कौन से आएंगे? चूरू, सीकर, झुंझुनू। शेखावटी इसकी को कहते हैं चूरू सीकर झुंझुनू को, तो शेखावटी सर्किट में हो गया चूरू सीकर झुंझुनू। अलवर में आ गई सिलीसेड झील, सरिस्का, अलवर, यानी ये तीनों चीज़ अलवर में ही है, तो अलवर सर्किट में अलवर आ गया। अब है कृष्णा सर्किट, कितने हैं? छः। कृष्णा सर्किट का मतलब है कृष्ण भगवान से संबंधित जो दर्शनीय स्थल हैं उनको कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है। श्रीनाथ जी हैं नाथ द्वारा, राजसमंद में, खाटू श्याम सीकर में, और बाकी के जो चार हैं वो कहाँ पे हैं? जयपुर में। कौन कौन से हैं? कनक वृंदावन, चरण चरण मंदिर, गलता जी, गोविंद जी। ये छह स्थान ऐसे हैं जो कृष्णा सर्किट में आते हैं, श्रीनाथ जी, खाटू श्याम, कनक वृंदावन, चरण मंदिर, गलता जी, गोविंद देव जी। ठीक है, बात करें अपन डेजर्ट सर्किट, मुख्यतः कितने हैं? चार हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। जो मरु त्रिकोण था उसमें भी यही डिस्ट्रिक्ट थे, और सेम इसी में डेजर्ट सर्किट, डेजर्ट सर्किट को ही मरु त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन ट्राइबल पर्यटन सर्किट की। तो ट्राइबल में वे जगह आएंगी जहाँ पर ट्राइबल रहती हैं, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वाइल्ड लाइफ सर्किट में आएंगे अलवर, धौलपुर, करौली, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही और जयपुर। ये किस में आएंगे? वाइल्ड लाइफ सर्किट में। आपको ये एक दो बार वीडियो, दो बार तीन बार देखनी जरूर है, क्योंकि अब जैसे कि इसमें से क्वेश्चन आ गया कि वाइल्ड लाइफ सर्किट में से कौन सा जिला नहीं है, तो आपको एक बार में पता चलेगा नहीं कि अलवर है, धौलपुर है, करौली है, राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, जयपुर है। अब इसमें कोई आ गया जैसे कि भरतपुर आ गया तो आपको फिर कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए दो तीन बार वीडियो को एक बार देख लें। इसकी अगर जो आपको पीडीएफ लेनी है तो हमारा जो चैनल है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के जो चैनल है टेलीग्राम पे, उससे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अपन हेरिटेज सर्किट। तो हेरिटेज सर्किट कौन कौन से हैं? देखो भटनेर दुर्ग और गोगा मेडी दोनों कहाँ पे हैं? हनुमानगढ़ में, भटनेर दुर्ग और गोगा मेडी। वाला किला, बाग ए नीलोफर और पुरानी छावली, ये कहाँ पे हैं? धौलपुर में। नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर। खंडर किला, ये भी वहीं है। प्रतापगढ़, प्रताप गौरव केंद्र, चित्तौड़ का किला और मीरा मेमोरियल, जैसलमेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग, कालीबंगा और हनुमानगढ़। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? हेरिटेज सर्किट में। दोबारा याद रखो, भटनेर दुर्ग, गोगा मेड़ी, वाला दुर्ग, बागे नीलोफर, पुरानी छावनी, नाहरगढ़, रणथंबोर, खंडर किला, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, मीराबाई, जैसलमेर, भटनेर और कालीबंगा। ये सारे हेरिटेज सर्किट में आएंगे। अब है हमारा आध्यात्मिक सर्किट। तो आध्यात्मिक सर्किट में कामा भरतपुर आता है। आध्यात्मिक सर्किट में कामा भरतपुर, मचकुंड धौलपुर, विराटनगर जयपुर, सामोदा के बालाजी जयपुर, और घाट के बालाजी जयपुर, और बंदे के बालाजी जयपुर। ये सारे किस्में हैं आध्यात्मिक सर्किट में। अब ये जो भी सर्किट विकसित किए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जितने भी हम सर्किट पढ़ चुके हैं, तो एक स्वदेश दर्शन योजना आती है, भारत सरकार की है वो आती है 2014-15 में, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो ये जो सर्किट विकसित किए गए हैं वो किस योजना के थ्रू होते हैं? स्वदेश दर्शन योजना के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान में जो पर्यटन के संभाग हैं वो कितने हैं? चार संभाग हैं। वैसे हमारे राजस्थान में कितने संभाग हैं? सात संभाग हैं, लेकिन पर्यटन संभाग कितने हैं? चार, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। नेक्स्ट बात कर रहे अपन रामसर साइट की। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितनी रामसर साइट हैं? दो हैं,
एक तो केवलादेव घना भरतपुर, एक सांबर झील जयपुर। अच्छा जो केवलादेव है वो कब होता है शामिल, 1981 में, और सांबर झील 1990 में। अच्छा ये जो जगह हैं कुछ इम्पोर्टेंट, मिनी गोवा, बीसलपुर बांध है टोंक में, उसके पास इसका जो बनना है प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, तो जो मिनी गोवा है वो कहाँ बनेगा, बीसलपुर बांध के पास टोंक में। अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना, ये जो योजना है आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना ये किसकी है, आध्यात्मिक सर्किट को बढ़ावा देने के लिए यूज में आती है। घना पक्षी विहार है, 1985 में यूनेस्को की नेचुरल हेरिटेज में शामिल है। यूनेस्को की नेचुरल हेरिटेज में शामिल कौन है, घना पक्षी विहार कब शामिल होता है, 1985 में। कालबेलिया नृत्य 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। 1985 में होता है घना पक्षी विहार, 2010 में होता है कालबेलिया, और जंतर मंतर भी कब होता है, 2010 में। अब हमारे कुछ दुर्ग हैं 6, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल होते हैं कब, 2013 में। देखो कालबेलिया 2010 में होता है, और ये दुर्ग कब होते हैं, 2013 में। इसकी एक शानदार ट्रिक है गाजर चीकू आम, यानी ये 6 दुर्ग हैं, गागरौन जैसलमेर रणथंबोर चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ और आमेर, यानी ये 6 के 6 दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के दुर्ग हैं। 6 जुलाई 2019 को जयपुर का परकोटा भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, लेटेस्ट है 6 जुलाई 2019 को। ठीक है, हम बात करेंगे रोपवे। अच्छा सबसे पहले तो रोपवे को हिंदी में कहते हैं रज्जू मार्ग। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा रोपवे बनता है, सुंडा माता पर्वत पर है जालौर में, 20 दिसंबर 2006 में बनता है। ये सबसे लंबा है, 800 मीटर का है लगभग। दूसरा है मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर, कहाँ पे है, उदयपुर में, वहाँ पे है। ये बनता है 8 जून 2008 में, और इसकी जो लंबाई है 387 मीटर है। सावित्री माता मंदिर है पुष्कर अजमेर में, यहाँ बनता है 3 मई 2016 को, इसकी जो लंबाई है 700 मीटर है। अब है सामुदवीर हनुमान मंदिर, ये कहाँ पे हैं, जयपुर में, 25 मई 2019 को, 350 या 380 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अब दो मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे बनना बाकी है, यानी कि प्रस्तावित है। एक रोपवे बनता है बनेगा कनक वृंदावन जयपुर में, और एक रोपवे बनेगा माचे सफारी जोधपुर में। राजस्थान का प्रथम हाथी गांव कुंडा गांव आमेर में 19 जून 2010 में बसाया गया सरकार द्वारा, यानी राजस्थान का प्रथम हाथी गांव है। नेक्स्ट बात करें अपन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं याद करने हैं आपको। ठीक है, राजस्थान का प्रथम मीरा संग्रहालय, तो राजस्थान का प्रथम मीरा संग्रहालय कहाँ पे है, उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम सफारी पार्क रणथंबोर में। लेपर्ड सफारी वाला देश का प्रथम शहर बनेगा नाहरगढ़ झालाना। भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनेगा चंबल के किनारे पे, कहाँ पे, कोटा में। भारत का पहला अंगदान स्मारक बना है जयपुर में, और राजस्थान का जो पहला अंगदाता है मोहित है अलवर का, और ये है लगभग 7 वर्ष का। ठीक है, यानी ये राजस्थान का पहला अंगदाता है, और अंगदान स्मारक कहाँ बनता है, जयपुर में। सिलिकॉन बैक्स म्यूजियम है ये बन रहा है, ये कहाँ पे है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। देश की पहली भूवरासतीय स्थल है रामगढ़ बारा में, क्योंकि इसका मतलब है कि उल्कापिंडों के गिरने से लगभग 4 किलोमीटर का एक गड्ढा बना था, तो देश में जो पहली भूवरासत स्थल है वो किसको घोषित किया गया, रामगढ़ बारा को। विभूति पार्क है फतेह सागर झील पे उदयपुर में। ठीक है, अब राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा कुछ आयोजित महोत्सव हैं जो राजस्थान में होते हैं, तो आपसे मेरा एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें,
अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो कौन कौन से महोत्सव हैं जो पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं? तो किन्नू महोत्सव है, वो होता है श्रीगंगानगर में और होता है दिसंबर के महीना में। ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी, मरु महोत्सव जैसलमेर जनवरी फरवरी में, थार महोत्सव बाड़मेर में होता है मार्च में, वैलून महोत्सव होता है बाड़मेर में, मारवाड़ महोत्सव है जोधपुर अक्टूबर के महीना में, डांस महोत्सव है कुंभलगढ़ में, राजसमंद में और डूंगरपुर में, यानी तीन जगह पर डांस महोत्सव होता है, कुंभलगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर। कजली तीज महोत्सव होता है बूंदी में, ये होता है अगस्त में होता है ये, और ये होता है पुष्कर महोत्सव, ये होता है अजमेर में, और ये होता है कब, नवंबर में। कोटा में एक तो दशहरा का महोत्सव होता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, एक हाड़ौती महोत्सव, तीनों कहाँ पे होते हैं, कोटा में। शीत महोत्सव कहाँ पे होता है, माउंट आबू में दिसंबर में, और ग्रीष्म महोत्सव होता है माउंट आबू जून में, क्योंकि गर्मी जून में पड़ती है तो जून में, और सर्दी दिसंबर में पड़ती है तो दिसंबर में, दोनों चीज़ कहाँ पर होती हैं, माउंट आबू में। नेवाड़ महोत्सव उदयपुर में होता है अप्रैल में, माही महोत्सव होता है बांसवाड़ा में, 2008 से शुरू किया गया है, चंद्रभागा महोत्सव झालावाड़ अक्टूबर और नवंबर महीना के में होता है, ब्रज महोत्सव होता है भरतपुर में फरवरी माह के महीने में, डीग महोत्सव होता है भरतपुर में जन्माष्टमी के अवसर पर, पतंग महोत्सव होता है जयपुर और जैसलमेर दोनों जगह जर्मनी में जनवरी के महीने में। बात करें अपन हाथी महोत्सव, ये होता है जयपुर में, ये मार्च के महीने में होता है, तीज महोत्सव जयपुर की जुलाई और अगस्त में, गणगौर महोत्सव जयपुर मार्च अप्रैल, शेखावटी महोत्सव सीकर में कब होता है, फरवरी में, पुष्कर महोत्सव है अजमेर में, ये होता है नवंबर में। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण है, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण, ये राज्य में टोटल 42 मेले का आयोजन करवाता है। तो कौन करवाता है, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 2011 में हुई है, तो ये 42 मेले लगभग लगवाता है। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मेले हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा। पूंछरी का लोटा है, ये भरतपुर में आता है, झील का बाड़ा बयाना भरतपुर, शरद नवरात्रि का मेला है ये झील बयाना में, नरहड़ के पीर बाबा का मेला चिड़ाबा झुंझुनू में, पंडित गणेश नारायण का मेला चिड़ाबा झुंझुनू, बाबा सुंदरदास का मेला ये खेतड़ी झुंझुनू। नेक्स्ट मेला है हमारा शेखावाटी हस्तशिल्प मेला या पर्यटन मेला, ये कहाँ पे है, आबूसर झुंझुनू में, बाबा रामदेव का मेला नवलगढ़ झुंझुनू में होता है, बीर बिग्गा जी का मेला डूंगरगढ़ बीकानेर, डूंगरपुर नहीं है ये, डूंगरगढ़ बीकानेर, बीर बिग्गा जी का मेला, मसाड़िया भैरव धाम मेला ये राजगढ़ अलवर में है, और राष्ट्रीय दशहरा मेला है ये कोटा में है, जल झूलनी का मेला चार बजा मेला राजसमंद में है, परशुराम मेला केलवाड़ा राजसमंद में, घोटिया अम्बा का मेला बीरीगामा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट मेला है हमारा भैरव जी का मेला, ये भवानपुरा बांसवाड़ा में, सीता माता का मेला प्रतापगढ़, गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़, रानी भटियानी का मेला जसोल बाड़मेर, शीतला माता का मेला कनाना बाड़मेर, एक शीतला माता का मेला चाकसू में लगता है जो सबसे बड़ा मेला है, लेकिन शीतला माता का दूसरा जो मेला है वो कनाना बाड़मेर में लगता है। तिलस्वा महादेव मंदिर है वहाँ पे मेला लगता है भीलवाड़ा में, कल्याण जी का मेला लगता है डिग्गी टोंक में, चावड़ माता का मेला लगता है उदयपुर में। नेक्स्ट मेला है हरियाली अमावस्या का मेला, ये भी कहाँ पर लगता है, उदयपुर में, अम्बा माता मेला प्रतापगढ़, सौली हनुमान जी का मेला ये कहाँ पर लगता है, सौलीग्राम प्रतापगढ़, यानी कि ये सारे इम्पोर्टेंट मेले थे जिनका आयोजन राजस्थान पर्यटन मेला प्राधिकरण करवाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये हमारे लगभग टॉपिक का अंतिम बिंदु है, और यहाँ तक आपने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैटर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार देखिए। ठीक है, अब बात करें हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की,
तो पर्यटन विभाग की स्थापना में दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, 1955 में हुई है, लेकिन पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब होती है, 1955 में, और इसकी होती है 1956 में। यानी पहले क्या बनता है, निदेशालय, निदेशालय कब बनेगा, 55 में, फिर बनता है विभाग, विभाग कब बनता है, 56 में। ठीक है, दोनों डेट याद रखनी है, 55 56, निदेशालय पहले विभाग बाद में। ठीक है, उद्योग का दर्जा मिल गया इसको 89 में, तीन डेट हो गई, 55 निदेशालय, 56 विभाग, और 89 में क्या है इसको, उद्योग का दर्जा। पर्यटन विकास के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो हैं चार, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। यानी ये सारे के सारे क्या हैं, क्षेत्रीय कार्यालय। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, तो 21 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनमें पर्यटन और सूचना केंद्र और स्वागत केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। पर्यटन विभाग जो है राजस्थान, उसके नियंत्रण में दो संस्था आती हैं, यानी दो PSU आते हैं। कौन कौन सी, एक तो RTDC, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1979, एक राजस्थान राज्य होटल विकास निगम लिमिटेड 1965। यानी कि विभाग की स्थापना कब होती है, विभाग की स्थापना होती है 56 में, 56 का उल्टा करो 65, तो 65 में स्थापना किसकी है, होटल की। यानी विभाग 56 में और 65 में क्या हो गया, होटल, और RTDC 79। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत RTDC के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो RTDC है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को होती है। तो RTDC के द्वारा जो नौकायन की सुविधा है वो एक तो सिलीसीड़ झील और एक कायलाना झील, इन दोनों झीलों में नौकायन की सुविधा उपलब्ध कराती है। और लाइट एंड साउंड शो का जो व्यवस्था है वो कौन कराता है, RTDC। ये 5-7 जगह हैं, जैसे कि मीरा स्मारक, यहाँ लाइट एंड साउंड शो चलता है, मचकुंड, चित्तौड़ का किला, जैनवास उद्यान जयपुर, और गड़सीसर झील जैसलमेर। यानी कि ये सारी जगह कौन सी हैं जहाँ पे लाइट एंड शो RTDC द्वारा चला जाता है। ठीक है, तो हमारा पर्यटन का जो पार्ट है लगभग नहीं, 100% कंप्लीट है। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।